कहिंदे ने कि सूरज नूं ते सूरज दे चानणे नूं सुजाखा ही वेख सकदा है, संत नूं संत ही वेख सकदा है, सोने नूं सुनार ही वेख सकदा है, हीरे नूं जौहर ही वेख सकदा है। इस वास्ते स्वयं प्रभु चिंतन जद करन लग पैंदा है मनुख, ते जिस दिन सुरत उसकी जुड़ती है उसनु पता चल जाता है हंस कौन है, बगला कौन है, वास्तविक संत कौन है और बनावटी कौन है। फिर धन गुरु नानक देव जी महाराज अपने दया दे घर विच आके इसनु इंज खोल देने, क्या हंस क्या बगुला जाको नदरे करे, जे तिस भावे नानका कागो हंस करे। की बगला ते की कौआ जिस ते उसकी मेहर हो जाए, जिस ते उसकी बख्शिश हो जाए, उते कौवियां नूं भी हंस बना देंदा है, उते डाकुआं नूं भी संत बना देंदा है, उते ठग्गां नूं भी सज्जन बना देंदा है। मूल गल उसकी मेहर दी है, बख्शिश दी है, निराश होने की लोड़ नहीं, परमात्मा ते आस रखने की लोड़ है, दरवास रखने की लोड़ है। सरवर पंखी हे कुड़ो फाई वाल पचास, एहो तन लहरी गड़थिया सच्चे तेरी आस। संसार दे सरोवर दे शिकारी फाहीवाल ते पंजा ने, मैं एक हिरन कल्ला है शिकारी पंजा ने, जाल पाण वाले बहुत सारे ने, यह तन लहरी गढ़ थिया सच्चे तेरी आस। लहरां दी लपेट दे लोभ दियां वाशना दियां, लहरां दी लपेट दे यह तन फस गया है, यह मन फस गया है। ये खुदा हुण तेरी टेक है, तेरा आसरा है। दरअसल शरीर एक है, रोग अनेकां ने, बीमारियां अनेकां ने, बीमारी एक नहीं। इस वास्ते सानू पुछना पैंदा है तैनू केड़ा रोग है, तैनू केड़ी बीमारी है। मनुख दा मन ते एक है, औगुण ते बेशुमार ने, बेशुमार ने। तंदुरुस्ती एक है, बीमारियां अनेक ने, गुण ते इक्को ही है और काफी है। उस गुण दे होंदिया ही सारे गुण आ जांदे ने, और वह गुण है प्रभु चिंतन, परमात्मा दी याद, काफी है। इस देश सब कुछ आ जाता है, सारे गुण इस देश समा जाते हैं, और अवगुण ते अनंत ने, बेशुमार ने, अथाह ने। तो बाबा फरीद कहते ने, संसार दे इस जंगल दे च मैं कल्ला, फाहीवाल पंजाब ने, मैं कल्ला, लहरां बहुत सारियां ने मैनू डोबण लई। ये सच्चे हुण तेरी आस है, और वाकई ही उहदी आस ते ही इन्हां लहरां तो निकलिया जा सकदा है, और इन्हां फाही वालियां तो बचिया जा सकदा है। तो बचण दा तौर तरीका, आखिर ढंग उसकी आस, पर फिर भी बाबा फरीद अपने ढंग नाल खोल देना। कवण सो अखर कवण गुण, कवण सो मणिया मंत, कवण सो वेसो हो करी, जित वस आवे कन। कीड़ा अखर है, ऐसा कीड़ा अल्फाज है,
ऐसा केड़ा गुण है, बोल ओ केड़ा है, जिदे बोलन नाल, जिस गुण दे धारण करन दे नाल परमात्मा दी प्राप्ति हो जाए, ईश्वर दी प्राप्ति हो जाए। और ऐसा केड़ा वेस है जिसनों धारण करिए ते परमात्मा नू भा जाइए। खुलासा, निवण सो अखर खवणे गुण, जे बा मणिया मंत, ए त्रै भैणे वेश कर, तामस आवी कन। अखर तर्ज जिंदगी, निमण निर्माणता विनिमरता, खवण गुण सुंदर परमात्मा दे गुण किड़े हो सकते ने, सहारना बर्दाश्त दा मादा, सहनशीलता। दरअसल इतों ही पता चलता है कि मनुख का जिगरा किन्ना क वड्डा है, जितना वो सहार सकता है उतना ही उसका वड्डा जिगरा है। और जिगरा वड्डा ही चाहिदा है परमात्मा लई। कहिंदे ने हाथी वालियां नाल दोस्ती पानी ने तो घर के दरवाजे तो उच्चे ही रखने पैंदे ने। परमात्मा नाल संबंध जोड़ना है तो जिगरा तो बहुत वड्डा चाहिदा है, बहुत वड्डा। विनिम्रता, सहनशीलता, ते तीसरा जेबा मणिया मंत, जबान चो बोल इंज निकलन जैसे मणि मोती हीरे जवाहरात, मिठा बोल। मिठा बोलना, सहनशीलता और विनिम्रता, ई त्रै भैणे वेश कर तामस आवीकन। ये जे तीन तरह का तू शिंगार कर लवे तो फिर खुदा की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। किसी की निर्माणता वास्तविक उसकी कमजोरी आती है, किसी का मिठा बोलना वास्तविक उसकी मजबूरी आती है। अगर वो ऐसा ना बोले तो उसका कम बिगड़ता है। किसी की सहनशीलता बर्दाश्त का मादा, ये भी उसकी मजबूरी आती है। कई दफा असी मजबूरी नू कमजोरी नू भी शराफत मन लेने। नहीं, शराफत अगर मजबूरी है तो शराफत शराफत नहीं है। ये किधरे भुलेखा ना रह जाए। अपने ढंग नाल बाबा फरीद अगले श्लोक विच इस तरह खोलते हैं, मत होंदी होए याणा, ताण होंदे होए निताणा, अण होंदे आप वंडाए, कोई ऐसा भगत सदाए। है कोई ऐसा भगत, मत होंदी होए याणा, है ते बहुत सियाणा, बड़ा गहरा चिंतक है, बड़ी लंबी सोचनी है, लेकिन सियाणियां दी महफिल विच सियाणप दा कोई दावा नहीं, सियाणप दा कोई माण नहीं। अक्सर अहंकार गुणों के आसरे ते टिकदा है, औगुणों के आसरे ते नहीं। कोई मनुख भरी महफिल विच ऐसा नहीं कह सकता कि मैथों वड्डा कोई चोर नहीं है, लेकिन ये कह सकता है मैथों वड्डा कोई दानी नहीं है। कोई मनुख भरी महफिल विच ये नहीं कह सकता कि मेरे तो वड्डा कोई होर मूड नहीं है। पर अक्सर ऐसा ते सुनन विच आ जांदा है और भरी महफिल विच मनुख कह उठता है, मैथों वड्डा कोई ज्ञानी नहीं है,
मैं तो वड्डा कोई कवि नहीं है, जैसे कि भगत रविदास जी महाराज कहते ने, हम बड़ कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कवे ननासी। मैं ज्ञानी, मैं सूरबीर, मैं जोगी, मैं दाता, मैं उच्ची कुल दा मालिक, मैं कुलीन। गुणा दे आसरे ते माण वधदा है, हंकार गुणा दी सेजा ते बैठता है। औगणे आरे नूं ते हंकार नूं प्रगट करन लई कुछ है ही नहीं। धनवान हंकारी हो जांदा है, सताधारी हंकारी हो जांदा है। जितनी वड्डी सता उतना वड्डा हंकार, जितना वड्डा धन उतना वड्डा हंकार, जितने ज्यादा गुण उतना वड्डा हंकार। अहंकार गुणा दी सेजा ते बैठता है। और अक्सर बड़े बड़े ज्ञानी दानश्वर सूक्ष्म रूप दे ते किधरे अस्थूल रूप दे परबल हंकारी हो जाते हैं। बाबे फरीद नूं इत्थे कहना पिया, मत होंदी होए इयाणा, अकल ते इसदे कोल है, सोच ते सकदा है बड़ा गहरा, सोच ते सकदा है बड़ा उच्चा, लेकिन इतनी अकल दे होंदियां भी अकल दा प्रगटावा नहीं, अकल दा दावा नहीं, सियाणप दा हंकार नहीं। मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा, ताकत ते बड़ी है कोल, धन दी ताकत है, जोबन दी ताकत है, प्रभुता दी ताकत है, बहुत वड्डी इसदे कोल सता है, शक्ति है, पर फिर भी निताणा बनया होया है, अपनी ताकत दा प्रगटावा नहीं, ताकत दा दिखावा नहीं। जब कोई ताकत दा दिखावा करन लग पैंदा है तो उहदी ताकत कमजोरां नूं लिताड़न लग पैंदी है। और जब कोई अपनी अकल दा प्रगटावा करन लग पैंदा है तो हर एक नूं मूर्ख ही समझण लग पैंदा है। आपन को मुनवर कर थापे औरन को लगमात, मनसा बाचा कर्मना मैं देखे दोजक जा, आपस को दी रख कर माने औरन को लगमात। लगा मात्रा समझदा है, छोटा समझदा है, पर अपने आप नु महान, ऋषि मुनि उच्चा दीरक। अकलमंद मनुख अगर दूजे नु छोटा समझण लग पे है ते अपने आप नु बहुत वड्डा समझण लग पे है और हर वक्त उसकी यह सोचनी बन गई है, तो ऐसा हो सकता है खुद छोटा हो जाएगा, खुद छोटा हो जाएगा। ये रब्बी नहीं हमें, हर कमाले राह जवाल, बड़े बड़े कमाल जवाल दी कुख दे चले जाते हैं, जवाल दी खुड़ दे चले जाते हैं। मत होंदी होए इयाणा, ताण होंदे होए निताणा, अण होंदे आप वंडाए, है भी नहीं इतना कोल, भुख है इसनों दो रोटियां दी, एक रोटी है, पर एक दे चों भी अद्धी वंड के दे रहे है। बड़ी वड्डी गल बाबा फरीद कह रहे हैं। मनुख भुख तो उस दे कोल वध भी होवे, चार रोटियां ने उदे चों भी अद्धी देण नूं तैयार नहीं, भुख बहुत ज्यादा है, चार रोटियां दी है, इहदे कोल एक है, पर दूजे नूं वेख के अपनी उस एक दे चों भी अद्धी वंड के दे रहा है। अण होंदे आप वंडा है भी नहीं इतना कोल, फिर भी वंड के दे रहा है, फिर भी दूजे दे मूंह दे च पा रहा है। हसन एक सूफी संत होया ईरान दे च, उसकी झुग्गी दे च रात दे समय एक चोर आ गया। इस झुग्गी दे च कुछ भी नहीं सी सिवाय फकीर दे। निराश होके
उदास हो के जद ए चोर झुगी तो वापस जान लगाए। फकीर ने हाथ जोड़े आख्या मित्रा मैनु शर्म आ रही है तू मेरे घर तो खाली जा रहे हैं तेनु हर घर चो कुछ ना कुछ मिले आवेगा तेनु हर घर चो कुछ ना कुछ लवे आवेगा बड़ी शर्म आ रही है मैनु तू मेरे घर तो खाली जा रहे हैं पहले मेरे तन दे एक कंबल है ठंड ते भावे बहुत है बर्फ पै रही है ले जा तू मेरा मान रहन दे कोई ये ना आखे फकीर दे घर तो तू खाली आया है तेरी आत्मा ये ना आखे इस घर चो मैनु कुछ नहीं लभे है एक कंबली इस फकीर दा पैरावा सी कंबली ओढ़ना सी एक कंबल तन तो की उतारिया नगन फकीर है रो पे है फकीर मेरे घर तो खाली ना जा लेके जा पर फकीर दे हंजुआ ने इस चोर दे पता नहीं जन्मां जन्मांतरां दे पापा नू धो दिता होंदे ने कुछ ऐसे हंजू दिल नू बाग बाग कर देंदे ने और दिल नू कंचन मोती बना देंदे ने तदी ते अजीम शायर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे हजूरी कवि नंद लाल कहंदे ने दो चश्म मन के दरियाए अजीम उल शान ऐ गोया जहर अशकम बवद शादावीए सरबाग बाग ईजा मेरी दो अखां दे ए दो हंजो ऐसे अजीम उल शान दरिया ने हजारां हिरदियां दे बाग संवारे जा सकते ने सरसब्ज किते जा सकते ने और अगे चल के ये महान गुरु के लाडले भाई साहब भाई नंद लाल कहिंदे ने शाखे उम्मीद आशिक हरगिज समर न गीरत ए आशिक ए खुदा दे प्रेमी ए रब दे प्रेमी तू उम्मीद का बूटा लाया है आसा का बूटा लाया है इनू खुदाई मिलाप का फल नहीं लगेगा इनू परमात्मा दे मिलाप का फल नहीं लगेगा क्यों तू इस बूटे नू सिंचिया ही नहीं पानी ते दिता ही नहीं उम्मीद के बूटे नू आसा दे बूटे नू केड़ा पानी देना है अज आ बे अशके मैं जगां ता सबज तर न बाशद जितने चिर तक अखां दा जल इस बूटे दे चना पाईए इस आसा दे बूटे नू मिलाप दा फल लगदा ही नहीं ये चोर फकीर दे कदमा दे डिग पिया और इसने हथ जोड़ के आख्या इस झुग्गी तो मैनू वो सौगात मिली है जो बड़े बड़े महलां दे च वी सन ला के नहीं मिली। गजब की गल यह है उत्थे सन ला के भी नहीं मिली इत्थे सन लाण दी लोड़ भी नहीं पिली और सन लाण नू कुछ है भी नहीं सी मिल गई अचानक मिल गई जद भी यह सौगात मिलती है मिलती अचानक ही है। अणहोण दे आप वंडा है इस हसन कोल है ते कुछ भी नहीं सी सिर्फ एक तन का कंबल सी वो भी अगे कर दिता भुख ते दो रोटियां दी है एदी कुल एक है ये भी अद्धी करके दे रहे है। बाबा फरीद कहिंदे ने अकल दे होंदे आया भी कोई अकल दी प्रदर्शनी ना करे इयाना बनिया रहे ताकत दे होंदे आया भी कोई ताकत दी प्रदर्शनी ना करे निताना बनिया रहे कोल कुछ भी नहीं फिर भी वंडन दा जज्बा है कुछ नहीं दे सकता तू मिठे बोलते दे सकता है कुछ नहीं दे सकता तू एक पानी दा घुटते दे सकता है। महात्मा बुद्ध करमंडल दे च पानी है
रस्ते विच बूटे नूं पा देंदे ने। आनंद जो आपदा चचेरा विराह है कहिंदा भगवान अजे वाट ते बड़ी लंबेरी सी सानू प्यास लग सकदी सी तुसी पानी बूटे नूं दे दित्ता है। आनंद सानू प्यास लग सकदी सी बूटा प्यासा सी मेरे कोल पानी होवे प्यासे बूटे नूं वेख के मैं पानी लेके लंघ नहीं सकदा। देण दी इतनी परबल बिलती एक करमंडल पानी उस बूटे लई ते करोड़ों रुपया तो वध है। किसे दा एक कौड़ी दान भी करोड़ों वर्गा हुंदा है और हंकार आश्रित खड़ा करोड़ों दा दान कौड़ियां नालों भी तुच्छ हुंदा है बेमैनी हुंदा है। इस वास्ते बाबा फरीद कहिंदे ने अण होंदे आप वंडाए कोई ऐसा भगत सदा है कोई ऐसा खुदा दा भगत जो इस ढंग दे नाल अपनी जिंदगी बतीत करे। एक फिक्का ना गलाए सब नामे सच्चा धनी हियाव न कही ठाए मान के सब अमोल वे। एक फिक्का बोल तू बिल्कुल ना बोल क्योंकि सारियां दे दिल विच वो मिठा प्रभु बोल बैठा है परमात्मा बैठा है। भूल के भी किसी का दिल ना तोड़ी हर दिल एक माणक है मोती है ना तोड़ी खुदा नहीं बख्शेगा। दिल ही एक ऐसा मंदिर है जिस विच परमात्मा का वासा है ते जे तू उसनू तोड़ देता तो की मंदिर बनाया। दिल ही तो एक ऐसी खुदा की किताब है जिस दिच खुदा की याद लिखी है तू इस किताब नूं फाड़ दिता तो की कुरान पढ़ी की पुराण पढ़िया। दिल ही तो एक ऐसा तीर्थ है जिस घाट ते परमात्मा बैठा है परमात्मा मिलता है ये घाट ही तू तोड़ दिता तो की खुदा दा मिलना की परमात्मा दा मिलना। तो बाबा फरीद कहिंदे ने एक फिक्का ना गलाए सब नामे सच्चा धनी याव न कही ठाए माणक सब अमोल वे। सारियां दे हिरदे अनमोल माणक ने सुचे मोती ने तोड़न दी कोशिश ना कर। इस लड़ी दा बाबे फरीद जी दा आखरी श्लोक सबना मन माण के ठाहण मूल मचांगवा जे तुए पिरिया दी सिक हे आओ न ठाहे कहीदा। सारियां दे मन मोतियां दी तरह ने सारियां दे मन कीमती रतन ने ठाहण मूल मचांगवा तू भूल के भी तोड़न की कोशिश ना करी तू भूल के भी टुकड़े टुकड़े करन की कोशिश ना करी जे तो पिरियां दी सिक जे तेनू परमात्मा दे मिलन की आस है इच्छा रखना है तो हयाव ना का ही ठाईदा किसी भी हिरदे नू तोड़न की कोशिश ना करी खुदा माफ नहीं करेगा। हाफिज का एक बड़ा कीमती शेर है मैं खुरो पीले शराब मुसहब बस हो जो अगला दे किसे ग्रंथ न किसे धार्मिक पुस्तक न मुसहब बस हो जो आतिश अंदर का वजन धार्मिक मंदिर नु भी अगन भेंट कर दे जला दे हर चे ख्वाही कुन जो तेरा दिल करदा है वो पाप कर वले दिल अजारी मकुन। लेकिन भूल के भी किसे दा दिल तोड़न की कोशिश ना करें ते जिसने किसे दा दिल नहीं तोड़ना उसने ग्रंथ नु क्यों आग लानी है ते काबे नु क्यों आग लानी है। उसकी निगाह विच ते हर दिल खुदा दा सिंघासन है। तो बाबा फरीद कहिंदे जे तोए पिरियां दी सिक आओ ना ठाहे कहीदा।
सूफी परंपरा दे परम संत बाबा फरीद दे अगम्मी बोल धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज देच अपनी गुंजार पा रहे ने। श्रद्धालु इन्हां तों आत्म दर्श दा ज्ञान लेंदे ने, प्रभु दी प्रेरणा लेंदे ने, खुदा दे मार्ग नूं समझण दी कोशिश करदे ने। बाबे फरीद दा हिरदा वह हिरदा है जो सिर्फ खुदा लई तड़पे है, परमात्मा लई तड़पे है। बाबे फरीद दी जिंदगी ऐसी जिंदगी है जो सिर्फ परमात्मा लई जीवे है। उसकी जिंदगी दा मुद्दा परमात्मा, उसकी कूक परमात्मा लई, उसकी तड़प परमात्मा लई, उसका सब कुछ परमात्मा लई, उसकी जिंदगी दा लक्ष्य खुदा। और जब भी किसी की जिंदगी का लक्ष्य खुदा हो जाता है, उसके बोलों में भी खुदा टपकन लग पैंदा है, उसके बोलों में भी खुदा ही बोलन लग पैंदा है। दरअसल खुदा खुदा करदे हाँ एक दिन फकीर ते चुप हो जाता है, फिर खुदा ही बोलन लग पैंदा है। उस दिन अंदरों खुदा ही दी झलक मिलन लग पैंदी है और ऐसा पुरश समुची खलकत विच खुदा दे दृश वेखदा है और खलकत उस दिच खुदा दी जो है झलक नू वेखदी है। फरीद जी दे ए पावन पवित्र सलोक टी सीरीज ने मेहनत उद्यम उपराला करके रिकॉर्ड कराए ने ताकि घर घर दिच बाबे फरीद दे सलोकां नू सुन के बैराग पैदा होवे, त्याग दी भावना पैदा होवे, खुदाई तड़प पैदा होवे, रब्बी लगन पैदा होवे। पुराने गुरसिख जद कदी वजद दिच आउंदे सन, जद कदी बिरहे दी चोंड उन्हां दे हिरदे नूं पैंदी सी तां इस अवस्था दे धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दे सलोक पढ़न लग पैंदे सन या फिर बाबे फरीद दे सलोक अलापन लग पैंदे सन। और उन्हां नूं इंज लगदा सी जैसे संगम विच इशनान कर रहे हां, गंगा जमुना दा संगम। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पता नहीं इस तरह की कितनी धारावां दे संगम ने, आ रहे ने एक पासे फरीद, आ रहे ने एक पासे कबीर, चले आ रहे ने एक पासे रामानंद, उभरते आ रहे ने एक पासे परमानंद, गीत अलापदे आ रहे ने नामदेव और गाउंदे आ रहे ने जयदेव। कितनियों दिशावां तो ये नदियां वग के आ रही ने और गुरु ग्रंथ साहब के सागर विच लीन हो रही ने। इस सागर विच कई नदियां का जल है, इस सागर विच कई तरह की मिठास है, इस सागर विच कई तरह के हीरे ने, कई तरह के मोती ने। बस जरा चुपकी लाइए दामन मोतियां नाल भर जाएगा, हीरियां नाल भर जाएगा। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज बख्शिश करन, रहमत करन कि डुबकी लाण दा चाव पैदा होवे ताकि दामन मोतियां नाल भरे, हीरियां नाल भरे, जवाहरात नाल भर जाए, असी माला माल हो जाइए और ये कहना बन आए कि निहाल हो गए हां, माला माल हो गया, ए लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले।